रफी नगर कब्रिस्तान। कई सालों से विवाद में चल रहा है ये कब्रिस्तान, फाइनली इसका काम शुरू हुआ। काम तो शुरू हो गया, लोगों की नज़र में काम हो रहा है, बीएमसी काम ज़रूर करा रही है। आपको दिखाना चाहूँगा कि इतने मोटे मोटे ढेबरीज बीएमसी इसमें डाल रही है, बीएमसी का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इतनी मोटी मोटी ढेबरीज इसमें डंप कर रहा है, ताकि कब्रिस्तान में जब कोई मुर्दे को दफन किया जाता है तो 5 से 6 फीट गहरा खड्डा खोदा जाता है। ये हाइट आप देख सकते हो, 3 फुट 3.5 फुट की हाइट है। अगर जब कब्रिस्तान में किसी को दफन किया जाएगा, 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट खड्डा खोदा जाएगा। उस खड्डा खोदने के टाइम पर जब कब्रिस्तान में उस मुर्दे को दफन किया जाएगा तो उस मुर्दे को दफन नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं कब्रिस्तान घोटाला नजर आ रहा है बहुत बड़ा। कौन सी कंपनी है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में? ये खनन सन्स। जोर से बोलिए, ये खनन सन्स। आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? सुपरवाइजरिंग। यहाँ कोई बीएमसी का ऑफिसर है? हाँ, वो अभी साइड पे ऑफिस गए हैं। कब आए थे यहाँ पर? सुबह 11 बजे। उसके बाद कब गए यहाँ से? अभी विजिट था तो मतलब 10 बजे आए थे, तो वो 12 बजे ऑफिस पे बुलाए। अभी आपने बताया कि 11 बजे चले, मतलब वो आए थे 10 बजे तो 11 बजे चले गए। क्या बीएमसी ऑफिसर की ड्यूटी नहीं होती यहाँ पर टाइम देने की? होती है। तो वो कब से नहीं आते? अभी गए, उनके सीनियर ने बुलाया तो वहाँ पे गए तो आए। उसके सिवा और कोई सुपरवाइजर यहाँ पर चेक नहीं करता बीएमसी की तरफ से? और कोई देख रेख नहीं करता? करते, अभी देख के गए सब लोग। बीएमसी का सुपरवाइजर, बीएमसी की तरफ से अपॉइंट किया हुआ सब इंजीनियर नजर नहीं आ रहा है यहाँ। मानो मनमानी चल रही है कॉन्ट्रैक्टर की। कहीं ना कहीं काम, लोगों को जो काम चाहिए, जो काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ। एक कब्रिस्तान जो आज भी इशू बना हुआ था, और ये कब्रिस्तान कंप्लीट होने के बाद भी लोगों के बीच में इशू का सबब रहेगा। यहाँ पर लोग कब्रिस्तान कंप्लीशन के बाद भी किसी मैयत को दफन नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है। आपका नाम क्या है? स्वप्निल। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? इंजीनियर है। इंजीनियर यहाँ स्वप्निल, ये जो मिट्टी डंप की जा रही है कब्रिस्तान के लिए, कैसी मिट्टी होना चाहिए? मोरू। इधर आप फ्रंट यहाँ बोलिए। मोरू। ये कैसी मिट्टी है? खपचे वाला मुरुम है। जोर से बोलिए। खपचे वाला मुरुम है, रोलिंग होएगा तो थोड़ा मट्टी होएगा। या आपको ये लगता है ये मट्टी रोलिंग होने के बाद पतली हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, बालू जैसी हो जाएगी, मरुम हो जाएगी? मुरुम तो हो जाएगा। ये पूरी मट्टी मरुम हो जाएगी? नहीं, कुछ कुछ पत्थर निकल रहे हैं ना। किस तरीके से पत्थर निकाल रहे हैं? यहाँ देख सकते हैं आप कि कोई भी पत्थर निकाला नहीं जा रहा है। पूरे पत्थर को उसी तरह डंप करने के बाद जैसे ही मट्टी आती है, लोगों का की माने तो 1100 से 1200 लॉरियां यहां पर डंप हो चुकी है अभी तक। यहां पर जैसे ही मिट्टी की लॉरी आती है, ये लोग फौरन पोकलेन से, जेसीबी से मिट्टी को बराबर कर देते हैं, ताकि लोगों को पता ना चले कि ऐसा कोई स्कैम हो रहा है यहां पर, ऐसा कोई घोटाला हो रहा है। अबरार चौधरी, GaliNews.com। रोलिंग होएगा तो थोड़ा मट्टी होएगा। आपको ये लगता है ये मिट्टी रोलिंग होने के बाद पतली हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, बालू जैसी हो जाएगी, मरूम हो जाएगी? मुरुम तो हो जाएगा। ये पूरी मिट्टी मरुम हो जाएगी? नहीं, कुछ कुछ पत्थर निकल रहे हैं ना। किस तरीके से पत्थर निकाल रहे हैं? यहाँ देख सकते हैं आप कि कोई भी पत्थर निकाला नहीं जा रहा है। पूरे पत्थर को उसी तरह डंप करने के बाद जैसे ही मिट्टी आती है, लोगों का की माने तो 1100 से 1200 लॉरियां यहां पर डंप हो चुकी है अभी तक। यहां पर जैसे ही मिट्टी की लॉरी आती है, ये लोग फौरन पोकलेन से, जेसीबी से मिट्टी को बराबर कर देते हैं, ताकि लोगों को पता ना चले कि ऐसा कोई स्कैम हो रहा है यहां पर, ऐसा कोई घोटाला हो रहा है। अबरार चौधरी, GaliNews.com।